दिल्ली से लंदन के लिए शुरू होगी बस सर्विस। 46 साल पहले भी भारत से इस तरह की शुरू हुई थी सेवा। 70 दिनों में करीब 20,000 किलोमीटर की दूरी होगी तय। करीब 15 लाख का लेना होगा पैकेज। अगर आपको भी घूमने का शौक है तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। भारत से यूरोप के लिए बस से यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ, यह पढ़कर भले ही आपको थोड़ा अजीब लगे लेकिन यह सच है। दिल्ली से लंदन के लिए बस सर्विस शुरू होने जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल सितंबर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त लग्जरी बसें दिल्ली से लंदन के लिए रवाना हो जाएंगी। 70 दिनों की यात्रा के दौरान इसमें टिकट, वीजा और रहने जैसी सभी सुविधाएं शामिल होंगी। एडवेंचर्स ओवरलैंड की ओर से बस टू लंदन की पहल के तहत इस बस में यात्रा करने के इच्छुक लोग 70 दिनों में करीब 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस दौरान 18 देशों का सफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको $20,000 यानी करीब 15 लाख का पैकेज लेना होगा। इस पैकेज में टिकट, वीजा और अलग अलग देशों में ठहरने की सुविधा, सरी की सभी सेवाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि 46 साल पहले भी भारत से इस तरह की सेवा शुरू हुई थी। साल 1957 में एक ब्रिटिश कंपनी ने दिल्ली लंदन कोलकाता के बीच बस सेवा शुरू की। बाद में एक ब्रिटिश यात्री ने डबल डेकर बस बनाकर दोबारा से सिडनी भारत लंदन के बीच बस सेवा शुरू की। 1976 में इसे ईरान की स्थिति और भारत पाक के तनाव को देखते हुए बंद कर दिया गया था। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, मैं हूँ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली से लंदन के लिए शुरू होगी बस सर्विस। 46 साल पहले भी भारत से इस तरह की शुरू हुई थी सेवा। 70 दिनों में करीब 20,000 किलोमीटर की दूरी होगी तय। करीब 15 लाख का लेना होगा पैकेज। अगर आपको भी घूमने का शौक है तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। भारत से यूरोप के लिए बस से यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ, यह पढ़कर भले ही आपको थोड़ा अजीब लगे लेकिन यह सच है। दिल्ली से लंदन के लिए बस सर्विस शुरू होने जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल सितंबर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त लग्जरी बसें दिल्ली से लंदन के लिए रवाना हो जाएंगी। 70 दिनों की यात्रा के दौरान इसमें टिकट, वीजा और रहने जैसी सभी सुविधाएं शामिल होंगी। एडवेंचर्स ओवरलैंड की ओर से बस टू लंदन की पहल के तहत इस बस में यात्रा करने के इच्छुक लोग 70 दिनों में करीब 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस दौरान 18 देशों का सफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको $20,000 यानी करीब 15 लाख का पैकेज लेना होगा। इस पैकेज में टिकट, वीजा और अलग अलग देशों में ठहरने की सुविधा, सरी की सभी सेवाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि 46 साल पहले भी भारत से इस तरह की सेवा शुरू हुई थी। साल 1957 में एक ब्रिटिश कंपनी ने दिल्ली लंदन कोलकाता के बीच बस सेवा शुरू की। बाद में एक ब्रिटिश यात्री ने डबल डेकर बस बनाकर दोबारा से सिडनी भारत लंदन के बीच बस सेवा शुरू की। 1976 में इसे ईरान की स्थिति और भारत पाक के तनाव को देखते हुए बंद कर दिया गया था। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, मैं हूँ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली से लंदन के लिए शुरू होगी बस सर्विस। 46 साल पहले भी भारत से इस तरह की शुरू हुई थी सेवा। 70 दिनों में करीब 20,000 किलोमीटर की दूरी होगी तय। करीब 15 लाख का लेना होगा पैकेज। अगर आपको भी घूमने का शौक है तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। भारत से यूरोप के लिए बस से यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ, यह पढ़कर भले ही आपको थोड़ा अजीब लगे लेकिन यह सच है। दिल्ली से लंदन के लिए बस सर्विस शुरू होने जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल सितंबर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त लग्जरी बसें दिल्ली से लंदन के लिए रवाना हो जाएंगी। 70 दिनों की यात्रा के दौरान इसमें टिकट, वीजा और रहने जैसी सभी सुविधाएं शामिल होंगी। एडवेंचर्स ओवरलैंड की ओर से बस टू लंदन की पहल के तहत इस बस में यात्रा करने के इच्छुक लोग 70 दिनों में करीब 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस दौरान 18 देशों का सफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको $20,000 यानी करीब 15 लाख का पैकेज लेना होगा। इस पैकेज में टिकट, वीजा और अलग अलग देशों में ठहरने की सुविधा, सरी की सभी सेवाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि 46 साल पहले भी भारत से इस तरह की सेवा शुरू हुई थी। साल 1957 में एक ब्रिटिश कंपनी ने दिल्ली लंदन कोलकाता के बीच बस सेवा शुरू की। बाद में एक ब्रिटिश यात्री ने डबल डेकर बस बनाकर दोबारा से सिडनी भारत लंदन के बीच बस सेवा शुरू की।
1976 में इसे ईरान की स्थिति और भारत पाक के तनाव को देखते हुए बंद कर दिया गया था। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।